अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क, मैं आफाक मुजाहिद बात कर रहा हूँ बैरिया टाउन कराची से। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आज आपके सामने प्रीसेंट 16 जो कि 250 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमल प्रीसेंट है, उसके हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह दूंगा, उसके रेट्स के हवाले से, मेन गेट से डिस्टेंस उसका क्या है, उसके हवाले से जो प्रॉपर्टी कैसे गाइड करूंगा, उसके सराउंडिंग में ऐसी कौन सी मेन ऐसी चीज़ें लग रही हैं, जिना से उसका डिस्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं क्लाइंट्स को बताना, क्योंकि ये कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तानी हमारे क्लाइंट्स हैं, वो तो मतलब ऑन साइड बैरिया आ जाते हैं, विज़िट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जो कि विज़िट नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये वीडियोस हमारी स्पेशल होती हैं कि हम उनको प्रॉपर तरीके से जो हैं वो उनको ये चीज़ें जो बताएं। तो आज मेरी ये वीडियो ही बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे जिनके 16 में प्लॉट हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स के, जो कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हमारे थ्रू करवा रहे हैं, जो कि हम उनके करके दे रहे हैं, तो ये आज वीडियो मेरी उन क्लाइंट्स के लिए है जिनकी इंक्वायरीज आई हुई थी। मेन गेट से इसका डिस्टेंस क्या है, मैं आज आपके इस वीडियो पर वो अट्रैक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो भी बताऊँगा, और इसके कुछ ऐसे क्लिप्स जो हैं वो आपको इस वीडियो पे मेंशन करके हम दिखाएंगे कि वहां पे ऑन साइड जो कंस्ट्रक्शन है वो कितनी तेजी से हो रही है, वहां पे मतलब प्रीसेंट 16 में घर जो कितने बन चुके हैं। मेन गेट से अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हार्डली जो है 4 से 5 किलोमीटर की ड्राइव पर है। अगर हम इसकी सराउंडिंग में बात करें कि सराउंडिंग में ऐसी कौन सी इसकी मेन चीजें ऐसी हैं जो इसको अट्रैक्ट करती हैं, एक तो इसको मेन जिना एवेन्यू है कि आप जैसे ही मेन जिना एवेन्यू से एक्सेस है इस प्रीसेंट की, जैसे ही आप कर्व आता है जिना एवेन्यू का इस तरह, तो इसका जो प्रॉपर इसको फेस कर रही है, जैसे कि आप सब जानते हैं दुनिया के तीसरे नंबर पे बिगेस्ट मॉस्क जो कि जामिया ग्रैंड मॉस्क बैरिया टाउन कराची में काफ़ी नाम है जिसका, वो प्रॉपर इसको जो है वो फेस कर रही है। ये प्रीसेंट 16 है, ये जिना एवेन्यू गुजर रही है और इसकी ये सामने फ्रंट पे जामिया ग्रैंड मॉस्क का जो है वो व्यू आपको बहुत जो है वो ज़बरदस्त नज़र आता है। 16 से पहले इसके अलावा जो दूसरी इसकी खासियत है, ये इंटरनेशनल थीम पार्क जो कि आपको बैरिया में जो है वो बनाया गया है, वो इसको बहुत खूबसूरत जो है वो फेस कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम देखा जाए अली विला जो मलिक रियाज साहब के बेटे का जो विला है, वो प्रीसेंट 16 से जो इसका व्यू है वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। प्रीसेंट 16 स्पेसिफिक इस जगह पे है, जामिया ग्रैंड मॉस्क इसको इस तरह फेस कर रही है, इसके बैक साइड पे 16 के इंटरनेशनल थीम पार्क और इसके राइट साइड पे जो है वो अली विला इसको फेस कर रहा है। तीन ये मेन चीज़ें जिसको फेस कर रही हैं और दरमियान से इसका ये जिना एवेन्यू गुजर रहा है। प्रीसेंट 16 में भी इस टाइम बहुत तेज़ी से बाइंग हो रही है, लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है वो करवा रहे हैं। मैं आपको इसी वीडियो में क्लिप्स में भी इसको जो है वो थोड़ा सा वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। Thank you.
जैसे कि आपने ये क्लिफ्स में देखा है, यहाँ पे इसका मेन जिन्ना एवेन्यू का भी व्यू देखा होगा, जामिया ग्रैंड मॉस का व्यू देखा होगा, इंटरनेशनल थीम पार्क का भी व्यू देखा होगा और इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपने देखी होगी कितना तेज़ी से यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो यही मेन चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट्स जिस चीज़ पर मतलब एग्री होते हैं, कुछ क्लाइंट्स को ये चीज़ें हमें दिखानी होती हैं। यही चीज़ें मेन होती हैं कि डिस्टेंस, इसके सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें जो इसकी वजह से इस प्रीसेंट के जो रेट्स हैं वो ऊपर जाते हैं। मार्केट में अगर हम इसके रेट की बात करते हैं तो इस टाइम यहाँ पे आपको मिनिमम प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 8 से 10 लाख से लेके ये मैक्स जो है वो 1 करोड़ 30-40 की तरफ आपको मिलता है। एवरेज जो प्लॉट है वो आपको 1-10 से 15 तक यहाँ पे मिल जाता है। तो कंस्ट्रक्शन भी हम लोग अपने क्लाइंट्स की करवा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रीसेंट 16 के हवाले से आज आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर जो हो गई होंगी। तो मज़ीद अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आफाक मुजाहिद आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी करेगा। आप काइंडली हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो जब भी हम कोई बैरिया की तरफ से कोई न्यू अपडेट्स YouTube में अगर हम अपलोड करते हैं तो वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक जो है वो आ जाता है। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।